हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो लीप हाइब्रिड SCS। जी हाँ दोस्तों, ये हीरो की तरफ से आने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो कि आपको पेट्रोल से भी चल सकेगी और ये आपको 1 लीटर पेट्रोल पर 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगी। बात करें तो ये गाड़ी एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर काम करती है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंजन दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करती है। इस गाड़ी को सबसे पहले 2012 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। अगर हम बात करें इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक मोटर के मामले में तो इसके अंदर आपको 8 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलता है जिसको पावर करती है लिथियम बैटरी, और आप इसकी बैटरी को डायरेक्ट अपने घर के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस गाड़ी देखने को मिलता है 124 सीसी का पेट्रोल इंजन, जहां पर इसके अंदर आपको दी गई है 3 लीटर का फ्यूल टैंक, जहां पर आप इसे फ्यूल भराकर भी चला पाएंगे। अब सबसे सही बात ये बताऊं कि आपको इसकी लिथियम बैटरी को शायद ही कभी आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब ये गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिक जो उसकी लिथियम बैटरी होती है वो चार्ज होती रहती है। अब जैसे कि अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पे हो जाएगी और आप इसे आराम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला पाएंगे। बात करें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये गाड़ी आपको 80 से लेके 100 kmpl का एवरेज देती है। अब बहुत से लोग पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक मैं आपको सिंपल सा यहाँ थ्योरी समझाता हूँ। 125 सीसी की इंजन आपको आराम के साथ आपको 30 से लेके 40 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, ये तो आपको मानते ही हैं। और जो इसकी जो लिथियम बैटरी है, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी की लिथियम बैटरी आपको आराम के साथ 60 किलोमीटर का रेंज देती है। तो अगर हम रखते हैं पेट्रोल का 40 किलोमीटर और लिथियम बैटरी का 60, तो ये आपको आराम के साथ 100 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको रेंज दे देती है। गाड़ी की टॉप रफ्तार की बात करूँ तो आपको बहुत अच्छा रफ्तार देखने को मिलेगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार देखने को मिलती है। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और बैक में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। बात करें इस गाड़ी की प्राइस के मामले में तो इस गाड़ी की प्राइस हो सकती है 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक। तो दोस्तों अब एक सवाल उठता है, 2012 में दिखाई गई गाड़ी अब तक हीरो ने क्यों नहीं लॉन्च की। दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न है कि जो मतलब हमारे देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वो काफ़ी धीरे चल रही है। तो यार अगर आप सब ये वीडियो फैलाते हैं, ये वीडियो आप इतना शेयर कीजिएगा इसे कि ये हीरो के मतलब कोई भी जो हेड रहेगा उन तक ये वीडियो पहुंचे, और यार हमें उन्हें दिखाना है कि हाँ दोस्तों यही वो गाड़ी है जिसे हम इंडियंस को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि इसकी डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर हो सकती है, क्योंकि इसका डिज़ाइन लोगों फ्रंट से बहुत लोग पिछले वीडियो में शिकायत किए थे, मैंने इसका पार्ट 1 ही बना रखा है मैं बता देता हूँ। तो यार आपसे बस एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए आपकी मर्ज़ी, पर इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो शेयर हुआ तभी हम स्कूटी को इंडिया में दोबारा से देख पाएंगे, वरना ये भाई एक पेंडिंग प्रोजेक्ट की तरह, कहीं ऐसा ना हो कहीं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे हीरो। तो उम्मीद है कि ये गाड़ी 2020 तक हमें लॉन्च हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस हीरो लीप की हाइब्रिड SCS के बारे में, ज़रूर दें अपना राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम और भी ऐसे इलेक्ट्रिक वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, टेक केयर एंड गुड बाय।